आज हम टॉपिक करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सारी कन्वर्जन में आप लोगों की हेल्पफुल होगी। तो पहले रिएक्शन आप लोग देखिए, हमने लिया डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन पे लगा लिया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो बेटा डाइजोनियम साल्ट हमने लिया और इसके अलग अलग रिएक्शन हम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन की CuCl और HCl के साथ, फिर मैंने इसकी रिएक्शन कर दी CuBr और HBr के साथ, फिर इसकी रिएक्शन कर दी CuCn और HCl के साथ। ठीक है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा जब हम डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन करेंगे CuCl से, CuBr से और CuCn से, तो तीनों केसेस में क्या क्या प्रोडक्ट होंगे वो आप देखिए। अगर आपने लिया है CuCl और HCl तो आपका आंसर आएगा क्लोरोबेंजीन बनेगा, प्लस में N2 निकल जाएगा। बस अगर आपने लिया है CuBr और HBr तो आपका आंसर आएगा ब्रोमोबेंजीन बनेगा, प्लस में N2 निकल जाएगा। और अगर आपने लिया है CuCl और HCl तो आपका आंसर होगा बेंजीन पे CN जुड़ जाएगा, प्लस में N2 निकल जाएगा। ठीक है, और इन तीनों रिएक्शन का एक ही नाम होता है, वो एक नाम क्या है, सैंड मीयर रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन का एक ही नाम है क्या, सैंड मीयर रिएक्शन। ठीक है, तो पहली रिएक्शन आपकी होगी सैंड मीयर। केशव बेटा अरुण को बोल क्लास में आए, कल तू नहीं था, आज वो नहीं आया। ये सैंड मीयर रिएक्शन होगी बेटा आपकी, कुछ भी नहीं करना आपको। CuCl HCl लेते हो तो Cl जुड़ जाएगा, HBr लिया तो Br आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पे HCn लिया तो फिर यहाँ पे CN आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों रिएक्शन का एक ही नाम है क्या, सैंड मीयर रिएक्शन। ओके, कर लिया होगा आपने, किसी का नहीं आया तो करते रहो, मैं नेक्स्ट रिएक्शन कर देती हूँ। जब तक मान लीजिए हमें डाइजोनियम सॉल्ट है और उससे आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन करनी है, तो प्लस में हम लेंगे Ki, प्लस में क्या लेंगे, Ki लेंगे, तो डायरेक्टली आपका क्या होगा बेटा, बेंजीन ग्रुप पे I जुड़ जाएगा, बेंजीन ग्रुप पे क्या आ जाएगा I, प्लस में निकल जाएगा N2, प्लस में निकल जाएगा Kc। बेंजीन ग्रुप पे I जुड़ गया, प्लस में N2 निकल गया, प्लस में KCl निकल गया। ठीक है, उसके बाद अब ये अब कर देती हूँ। अब मान लीजिए हमने डाइजोनियम सॉल्ट और उसकी रिएक्शन करी फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, प्लस मैंने ले लिया HBF4, उसमें क्या ले लिया, HBF4 ले लिया। HBF4 आपका क्या होता है बेटा, फ्लोरोबोरिक एसिड होता है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl माइनस क्या हो जाएगा, HCl, और एक इंटरमीडिएट आपका बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट होगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। ठीक है, एक H और एक Cl, HCl निकल जाएगा और बेंजीन पे ये जुड़ जाएगा N2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव। अब इसको हम हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होगा, बेंजीन पे सिर्फ F आ जाएगा, बेंजीन पे सिर्फ क्या आ जाएगा, F, प्लस में निकल जाएगा N2, प्लस में निकल जाएगा BF3। बेंजीन पे F आ जाएगा, प्लस में N2 निकलेगा, प्लस में BF3 निकलेगा, तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन पे F आ गया, तो N2 और BF3 साइड में निकल जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन का एक नाम भी है स्पेसिफिक, बाल्स-कीमर रिएक्शन। ये पहले भी हुई थी चैप्टर 10 में भी। इस रिएक्शन का नाम क्या है, बाल्स-कीमर रिएक्शन। यहाँ बेटा ये सिर्फ एक ही मेथड है जिसमें डाइजोनियम साल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनता है। तो डाइजोनियम साल्ट की आप रिएक्शन करोगे HBF4 के साथ, तो इंटरमीडिएट यहाँ बन गया, ये एक H और एक Cl, HCl निकल गया और बेंजीन पे आपका जुड़ गया N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। आप इसको हम हीट कर देंगे तो डायरेक्टली आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस N2 निकल जाएगा, प्लस में BF3 निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा यहाँ पे। ओके, कर लो ये एग्जांपल आप।
उषा क्लास में नहीं आई है ना जब तक भी, ठीक है मैं भीम सर को भेज दूंगी, फिर आपकी यही अटेंडेंस आज से वो सब तो होगा नहीं ग्रुप सेटिंग वगैरह तो हो गया भी, तो फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये सब बेटा इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको करवा रही हूँ, क्योंकि सारे कन्वर्जन फिर इसी टॉपिक से होंगे आपके आगे। देखिए बेटा आगे नेक्स्ट रिएक्शन अब करते हैं इसके बाद, अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट है ठीक है और डाइजोनियम साल्ट है उसको आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। देखिए हमने ये डाइजोनियम साल्ट लिया और इसकी रिएक्शन हम लोग कर देंगे H3PO2 के साथ, इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे H3PO2 के साथ करेंगे, प्लस हमने ले लिया H2O, प्लस हमने क्या लिया H2O लिया। तो बेटा इस केस में क्या होगा आप देखिए, यहां पर सिर्फ बेंजीन की फॉर्मेशन होगी C6H6 प्लस में यहाँ पे निकलेगा H3PO3, प्लस में क्या निकलेगा H3PO3, साथ में यहाँ पे HCl जाएगा, प्लस में N2 जाएगा। आप देखिए रिएक्शन ये पूरी बैलेंस है कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव था, यहाँ पे बेटा C6H5 है ये और ये बढ़ गया C6H6, एक H यहाँ पे बढ़ गया। अब बेटा साथ में आप देखिए वो एक एच यहाँ बच रहा है, एक एच और एक सी एल, एच सी एल निकल गया, एच एटम बराबर, एच थ्री पीओ टू ने खुद को क्या बना लिया H3PO3, तो ओ एटम भी बराबर। तो कभी भी आप कन्वर्जन करोगे और आपको डाइजोनियम साल्ट को बेंजीन बनाना हो ना, तो बस आप एरो पे क्या लिख देना H3PO2, H2O लिख देना, ठीक है ओके। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद एक और तरीका है, H3PO2 की जगह आप इथेनॉल भी यूज कर सकते हो। तो हमने ये लिया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, प्लस हमने इथेनॉल ले लिया CH3CH2OH। इथेनॉल की हेल्प से भी डाइजोनियम साल्ट है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए बेटा यहाँ पर हमने डाइजोनियम साल्ट को तो बेंजीन बना दिया और इथेनॉल का इसमें ऑक्सीडेशन होगा जिससे इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल क्या हो जाएगा CH3CHO, इथेनॉल क्या हो जाएगा बेटा CH3CHO, मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में HCl प्लस में N2, रिएक्शन पूरी बैलेंस है। बस एक एच एटम को देख लो आप, एच एटम कितने हैं 3, 2, 5, 4, 1, 6, यहाँ पे कितने हो गए बेटा आप खुद देखिए 3 और 1, 4 और एक ये 5 और एक यहाँ भी तो आया है ना एच एटम, तो टोटल एच एटम यहाँ पे 6 हो गए, तो ये आपका पूरा बैलेंस है। तो ये दो रिएक्शन आपकी है जिसमें आप डाइजोनियम साल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ कन्वर्जन में काम आएगी बेटा ये, एक तो आप H3PO2 की हेल्प से कर सकते हो और एक आप इथेनॉल की हेल्प से कर सकते हो। इन दोनों केस में क्या होगा, जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ये ध्यान रखना आप। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, जितेंद्र मनजीत दोनों नहीं आए ना आज क्लास में, कितनी बार फोन करके बुलाया जाए बेटा, खुद से तो है ही नहीं कि मैं क्लास भी लेनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इसी को हम बोलते हैं एजोडाइटेस्ट, कपलिंग रिएक्शन को क्या बोलते हैं एजोडाइटेस्ट। अब जो ये कपलिंग रिएक्शन है ना बेटा, ये आपका फिनोल भी शो करता था और कपलिंग रिएक्शन एनिलीन भी शो करता है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। तो हमने बेटा ये ले लिया बेंजीन पे NH2, एनिलीन हमने ले ली, प्लस हमने क्या ले लिया डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया,
एनिलीन दिया प्लस में डाइजोनियम सॉल्ट लिया, एन टू पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो ये एनिलीन की तो पैरा पोजिशन का एच है, एनिलीन की तो पैरा पोजिशन का एच, और यहां से सी एल क्या निकल जाएगा, एच सी एल, और यहाँ पे आपको मीडियम रखना है एल्केलाइन, मतलब बेसिक मीडियम आप यहाँ पे रखोगे और पीएच आपकी होगी 9 से 10 के बीच में। एल्केलाइन मीडियम आप यहाँ पे रखोगे, पीएच होगी 9 से 10 के बीच में। तो अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ NH2 है, अब बताओ बेटा यहाँ से एच और यहाँ से सी एल, एच सी एल तो निकल गया, N2 बचा तो मैंने N2 को यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पर ये बैठ जाए, ये एक एजो डाई बनी, ये क्या बना, एजो डाई, जो ये N2 वाला कंपाउंड है ना इसको हम एजो बोलते हैं, तो एजो डाई की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। और इसका नाम क्या होगा बेटा, कलर्ड डाई होती है, ये आपका प्रैक्टिकल सिलेबस भी है, उसमें भी ये रिएक्शन है। अब इसका नाम होगा, ये वाली इसकी पैरा पोजिशन है, तो इसका नाम बनेगा पैरा पे अमीनो, पैरा पे अमीनो, फिर दो यहाँ पे नाइट्रोजन है, डाई एजो, आपको पता है नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, तो पैरा पे अमीनो डाई एजो बेंजीन, इसका नाम क्या होगा बेटा, पैरा अमीनो डाई एजो बेंजीन, ठीक है। पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, दो एजो है और दो ही बेंजीन है, तो नाम बन गया पैरा अमीनो डाई एजो बेंजीन। और ये एजो डाई होती है और ये अलग अलग कलर की डाई होती है, दी जाता कलर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, तो ये आपका टॉपिक हुआ कपलिंग रिएक्शन का। अब हम इन सब की हेल्प से आगे अपने क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, क्योंकि इनके बिना नहीं हो पाएगी एक्सरसाइज। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, आपको कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड को मिथेन अमीन में, कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मिथेन अमीन। देखिए बेटा कैसे करोगे, इथेनोइक एसिड आपको पता है क्या होता है, CH3COOH, और आपको इससे बनाना क्या है, फाइनली आप इससे बनाओगे मिथेन अमीन। इससे आपको प्रिपेयर क्या करना है बेटा, मिथेन अमीन, मिथेन क्या होता है आपको पता है, CH3NH2। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे सोचना है क्या क्या करना है, इधर तो कार्बन है 2, यहाँ कार्बन 2 से 1 हो गया, फंक्शन ग्रुप भी चेंज हो गया, COOH के NH2 आ गया। तो अगर आपको ध्यान हो हमने एक रिएक्शन की थी होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, वो ही इसमें अप्लाई होगी, जो ये इथेनोइक एसिड है आप इसमें NH3 की एडिशन कर दो, किसकी एडिशन कर दो, NH3 की, मैं NH3 को यू लिख लूं, HNH2 है तो NH3 ना, H और NH2 लिख लिया, NH3 हो गया, अब इसका ये H और यहां से ये OH क्या निकल गया, H2, क्या निकला ये H2O, क्या बचा बेटा, माइनस यहाँ पे कर दो H2O, बचा क्या वो आप लिख लो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया NH2, यहाँ पे क्या आया NH2 आया, CH3CO NH2। अब आप इसकी रिएक्शन कर दो Bi2 और KOH के साथ, आपको ध्यान है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड, उसमें अमाइड को हम तोड़ देते हैं और अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सबसे अच्छा मेथड है अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करने का, CO को आपको तोड़ना है तो सबसे बढ़िया मेथड है ये, बीच का CO आपका हट जाएगा और क्या बच जाएगा CH3NH2। तो ये आपका पहला कन्वर्जन हुआ इथेनोइक एसिड से मिथेन अमीन प्रिपेयर करने का। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है हेक्सेन नाइट्राइल, इससे बनाओ 1 अमीनो पेंटेन। बेटा हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन मींस 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, और नाइट्राइल मतलब क्या फंक्शनल ग्रुप है बेटा, CN, सी ट्रिपल बॉन्डेड N हो गया, इसका नाम है हेक्सेन नाइट्राइल, सी ट्रिपल बॉन्ड N वाले कार्बन से नंबरिंग होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हेक्सेन नाइट्राइल हो गया।
और अब आपको हेक्सेन नाइट्राइल से प्रिपेयर क्या करना है, वन अमीनो पेंटेन, मतलब पांच कार्बन करने हैं और कार्बन वन पे आपको क्या लेके आना है, अमीनो ग्रुप। बहुत आसान है, जो ये सी एन है ना, आप इसका कर दो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, आप इसका बेटा क्या कर दो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसमें एच टू ओ एड कर दो प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन, इसमें आप एच टू ओ एड कर दो प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन, तो क्या बनेगा देखो, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू, ये पांच कार्बन तो यू के यू है। अब जो ये आपका सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये क्या बन गया बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू बन गया। मैंने एक मोल ही इसमें एच टू ओ का डाला है, तो वॉटर का ओ तो यहाँ आ गया और वॉटर की दोनों एच यहाँ आ गई, ये आपका बन गया सी ओ एन एच टू। अब अभी अभी मैंने आपको करवाया, आपको वन अमीनो पेंटेन बनाना है, एक कार्बन हटाना है, मतलब बस आप इस सीओ को यहाँ से हटा दो तो कार्बन पांच हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और वन पे क्या लग रहा है अमीनो ग्रुप है ही एन एच टू, तो ये फिलहाल तो अमाइड ग्रुप है। इसका सीओ हटाने का एक ही तरीका है, क्या, बी आर टू कोमा के ओ एच, आंसर बोलो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू, पांच बार सी एच कार्बन है और एक एन एच टू, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया वन पे अमीनो पेंटेन, ओके। तो कर लो बेटा, ये दो कन्वर्जन आपके हो चुके हैं। फिर अब थर्ड कन्वर्जन करते हैं, जितेंद्र बेटा क्लास में लेट आता है बिल्कुल। थर्ड है मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड, एक्सरसाइज की क्वेश्चन करवा रही हूँ भाई, थर्ड हो रहा है, मिथेनॉल से क्या प्रिपेयर करोगे, इथेनोइक एसिड, बड़ा आसान सा है ये भी। मिथेनॉल क्या होता है बेटा, सी एच थ्री ओ एच, और आपको इसे प्रिपेयर क्या करना है, इथेनोइक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच। तो आप थोड़ा सा सोचा करो इसमें क्या करें, इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, यहाँ तो एक ही कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, एक तो कार्बन बढ़ाना है, ऊपर से फंक्शन ग्रुप भी चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट करना है, तो सबसे बेस्ट क्या होता है, SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड, तो OH हटके क्या आ जाएगा Cl, OH हटके क्या आ जाएगा बेटा Cl आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप कर दो KCN के साथ, अब इसकी रिएक्शन आप किससे कर दो KCN के साथ, तो माइनस हो जाएगा KCl, क्या माइनस हो गया KCl, तो क्या बच गया बेटा बोलो, ये बच गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, ये बचेगा बेटा। अब जो ये C ट्रिपल बॉन्ड है इसका आप कर दो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसमें टू मोल H2O के डाल दो प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, मतलब यहाँ पे आप क्या कर दोगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल में तो अमाइड बनता है और कंप्लीट में क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, साइड में NH3 निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। तो ये आपका बेटा थर्ड कन्वर्जन हुआ। अब देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका इथेन अमीन से मिथेन अमीन, इस बार कार्बन कम करना है, चलो कम भी करेंगे बड़ा आसान ही होगा ये भी। इथेन अमीन ये होता है इथेन अमीन सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, और इससे फाइनली आपको क्या प्रिपेयर करना है मिथेन अमीन सी एच थ्री एन एच टू। तो आप लोग देखिए इथेन अमीन से मिथेन अमीन कैसे बनाओगे, एक कार्बन कम करना है, ठीक है। तो भी कार्बन कम करने के तरीके क्या क्या है, सेम तरीका होगा, अगर आप लोगों को ध्यान हो मैं इसकी रिएक्शन कर देती हूँ एच एन ओ टू से, एन एन ओ टू कोमा एच सी एल, मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये कहा था प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है वो डाइजोनियम साल्ट में स्टेबल नहीं होती, वो फाइनली एल्कोहल बनाती है, और जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है वो डाइजोनियम साल्ट बनाता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। तो यहाँ तो एलिफेटिक अमीन है और प्राइमरी है, तो जब आप इसको ये कंडीशन दोगे HNO2 वाली नाइट्रस एसिड वाली, तो
तो फाइनली यहाँ पे जाके एल्कोहल बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्कोहल। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो पीछे के टॉपिक में आप देख लेना, जहां आपने रिएक्शन की थी HNO2 के साथ, तो यहाँ पे एल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। अब बेटा आगे आप लोगों को हिंट मिल गया, कुछ बच्चे यहाँ से कर ही देंगे। अब आप यहाँ पे SOCl2 ले लो, तो OH हटके क्या आ जाएगा? Cl। OH हटके क्या आ जाएगा? Cl। अब आप यहाँ पे KCN ले लो, तो Cl हटके क्या आ जाएगा बेटा? फिर तो कार्बन तीन हो जाएंगे ना, तीन कार्बन हो जाएंगे बेटा, ये तो कार्बन तो कम करना है। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दिया स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, इथेनोइक एसिड आपका बन गया। अब इसकी रिएक्शन आप NH3 के साथ कर दो, तो क्या माइनस हो जाएगा? H2O। भाई अमोनिया का तो H, और यहाँ से OH क्या माइनस हो गया? H2O, और ये बन गया CH3CONH2। CH3CONH2, यहाँ से OH हट गया बेटा, और बदले में क्या जुड़ गया? NH2 जुड़ गया, हो गया। और अब फाइनली इसकी रिएक्शन आप कर दो Bi2 और KOH के साथ। ये कौन सी रिएक्शन है? होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें ये अमाइड ग्रुप टू निकल जाता है, CO ग्रुप हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? CH3NH2। यही तो प्रिपेयर करना था हमें, तो बस बेटा ये पूरा हो जाएगा आपका। इस तरह से करना है, कर लो। समझ में आ रहा है आपको ये कन्वर्जन? इथेनोइक एसिड होता है बेटा CH3COOH, और इससे आपको प्रिपेयर क्या करना है? प्रोपेनोइक एसिड। एक कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बेटा? COOH कैसे लेके आएंगे यहाँ पे, बता सकते हो? एक कार्बन बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ रिडक्शन कर दो, क्या कर दो? रिडक्शन। तो इथेनोइक एसिड से इथेनॉल बन जाएगा, बन गया इथेनॉल। अब इसकी रिएक्शन SOCl2 से कर दो, तो OH हटके Cl आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन KCN से कर दो, तो Cl हटके CN आ जाएगा। बढ़ा लिया ना कार्बन, और अब जो ये CN है इसका कर दो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या कर दो इसका? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो ये CN हटके क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा। CN की जगह क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा। और कार्बन 1, 2, 3 तीन हो गए दो से। तो ऐसे आपको करना है, पहले आपने इथेनोइक एसिड लिया, इसका रिडक्शन किया तो इथेनॉल बन गया। इथेनॉल की रिएक्शन आपने SOCl2 से की, तो OH हटके Cl आ गया। देन KCN से रिएक्शन की, Cl हटके CN आ गया। और CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर तो अमाइड बनता है, और कंप्लीट करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो या इथेनोइक एसिड